यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए बनाया गया है। तो आज हम सेट 5 की बात करेंगे। इससे पहले हम 4 सेट में वीडियो बना चुके हैं। जो भी छात्र नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से भी आप देख सकते हैं। और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से आप जो है क्लास 10th की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो को अंत तक देखें तो एक भी प्रश्न जो है इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलते हैं, अब हम प्रश्न शुरू करते हैं। तो इस सेट का पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस नगर निगम की स्थापना हुई थी, यानी भारत में सर्वप्रथम किस नगर निगम की स्थापना हुई थी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मद्रास। इसका चेन्नई भी कहते हैं 1688 में। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम किस नगर निगम की स्थापना हुई थी। वो था भारत में मद्रास, और बिहार में जो है इसका आंसर हो जाएगा पटना नगर निगम 1952 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, यानी ये कथन किसने कहा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन का ये कथन है, अब्राहम लिंकन ने कहा था। उसके बाद चौथा प्रश्न है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, यानी कितनी प्रतिशत था। इसका सही आंसर हो जाएगा 10%। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। उसके बाद छठा प्रश्न है, एटीएम का अर्थ क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसको हिंदी में कह सकते हैं स्वचालित मशीन। उसके बाद सातवां प्रश्न है, वस्तु से वस्तु के लेन देन को क्या कहते हैं। जब वस्तु से वस्तु की खरीद बिक्री करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके बाद आठवां प्रश्न है, मुद्रा से वस्तुओं के लेन देन को क्या कहते हैं। जब मुद्रा की सहायता से लेन देन किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौद्रिक प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली। उसके बाद अगला प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अविकसित या विकासशील देश। उसके बाद दसवां प्रश्न है, 2004 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 2004 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28,000 प्रति वर्ष व्यक्ति। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य। उसके बाद 12वां प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में लगभग वन्य प्राणी की कितनी उपजातियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 81,000। उसके बाद 14वां प्रश्न है, कैंसर रोग के उपचार में किस पौधे का उपयोग किया जाता है, यानी किस पौधे से दवा बनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालयन यव नामक पौधे से कैंसर के उपचार का दवा बनाया जाता है। उसके बाद 15वां प्रश्न है, टैक्सोल नामक रसायन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। टैक्सोल जो है हिमालयन यव नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, एक रसायन है, और इसका उपयोग जो है कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है, कैंसर रोग। उसके बाद 16वां प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानगर में, महानगर में। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा कब हुआ था, ये मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में किया गया था हिंदू महासभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में हरिद्वार में हुआ था। उसके बाद 18वां प्रश्न है, मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में हुआ था, मालाबार तट पर
मोपला विद्रोह केरल के क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद अगला 19वां प्रश्न है, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी में। रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा झंडा फहराया गया, उसके बाद ये घोषणा की गई। उसके बाद अगला प्रश्न है 20वां, इस सेट का अंतिम प्रश्न, चटगांव में शस्त्रागार पर किसके नेतृत्व में छापा मारा गया था, यानी छापा मारकर शस्त्रागार को लूटा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यसेन के नेतृत्व में। उसके बाद 1930 ईस्वी में उसका उपनाम मास्टर दा था। ये क्लास टेंथ के सोशल साइंस का VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जो भी छात्र इस बार एग्जाम देने वाले हैं निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यहाँ आने वाले सभी वीडियो को अंत तक देखें, तो इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो आप अपने कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी वीडियो को अंत तक देखें।